आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल में टेक्स्ट फार्मूला का यूज हम कैसे करते हैं, तो उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। राइट, आप देख सकते हो कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें फर्स्ट रो में डेट है। राइट, डेट का जो फॉर्मेट है, पहले डे है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर, इस तरह से इसका फॉर्मेट है। सॉरी, अब इन डेट्स में से, इन सारे डेट्स में से, लेट्स से कि मुझे डे, मंथ, ईयर, वो भी चार जो चार लेटर में है, वो ईयर चाहिए मुझे और डे चाहिए, ठीक है ना। और यदि ये डेट काफ़ी लंबी हो तो मैन्युअली इसे करना बहुत टफ है, तो इसे हम सीखेंगे कि टेक्स्ट फार्मूला से हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कॉलम को हम कैसे डे, इससे सारे डे को एक्सट्रैक्ट करके इसमें फिल कर सक कैसे करें। तो इसके लिए हम टेक्स्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो आपको कर्सर रखना है इस सेल में जहाँ पे आपको डे एक्सट्रैक्ट करना है। सिर्फ एक सेल के लिए करेंगे, बाकी हम अप्लाई कर देंगे बाकी सेल्स पे। तो इक्वल टू का इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपको टेक्स्ट लिखना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे टेक्स्ट लिखेंगे उसके बाद ये जो पहला सेल है डेट का, उस पर क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कॉमा लिखना है, उसका डबल कोट्स में आपको डी डी लिख देना है, ठीक है ना, और ब्रैकेट को बंद कर देना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें डेट आ गया 04। राइट, ये जो डेट है। अब इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद जो राइट कॉर्नर में बॉटम में जो स्क्वायर है, यहाँ पे आप कर्सर ले जाएंगे तब प्लस बन जाएगा, उसको पकड़ के नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे कि इन सारे डेट्स में से डेट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। राइट, जैसे यहाँ देख सकते हैं 15 है तो 15 आ गया, 16 है 16 आ गया, सारे सेल्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। उसी तरह मंथ को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से आपको इक्वल टू लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद पहला सेल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डबल कोट्स में आपको MM लिखना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मंथ जो जनवरी था, 01 मतलब जनवरी, ठीक है ना, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ फिर से यहाँ पकड़ के ड्रैग कर देना है लास्ट तक, तो आप देखेंगे कि इन सारे डेट्स में से मंथ ऑटोमेटिकली आ गया। राइट, उसी तरह ईयर, ईयर हमें करना है तो इक्वल्स टू फिर से टेक्स्ट लिखना है और एक सेल को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा देने के बाद यहाँ ईयर का दो फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है, या ईयर, या तो आप चाहे तो दो लेटर में आप डिस्प्ले कर सकते हैं या तीन लेटर में। दो बार वाई वाई लिखेंगे तो सिर्फ ईयर का जो लास्ट दो डिजिट होगा वो ले लेगा, लेकिन आपको कंप्लीट ईयर फोर लेटर में आपको डिस्प्ले करना है, फोर नंबर्स में। राइट, फोर टाइम्स जो नंबर आता है उसमें, तो फोर टाइम्स आपको वो थ्री टाइम्स आपको वाई देना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हो कि फुल ईयर इसमें से आ गया डेट से, इसको पकड़ के फिर से ड्रैग कर देना है लास्ट तक जहाँ तक आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया, ये इस पे नहीं अप्लाई करना है हमको, यहाँ तक ही करना है। तो जितने भी डेट्स है उसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करके आ गया। सबसे फनी ये है कि डे हम कैसे निकालें। तो डे निकालने के लिए फिर से इक्वल टू लेना है, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट फार्मूला का ही हम यूज कर रहे हैं। ए सेल को सेलेक्ट कर लेना है, पहला सेल को, उसके बाद कॉमा लिखने के बाद यहाँ पर थ्री टाइम्स डी लिखना है आपको। सॉरी, ये जो फार्मूला है इसमें थ्री टाइम्स डी लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो कि थ्री लेटर में इस डेट को क्या था, फ्राइडे था, तो ये फार आई थ्री लेटर में आया। यदि आप चाहते हो कि पूरा फ्राइडे लिखा हुआ है, राइट, तो आपको क्या करना है, यहाँ डी फोर टाइम्स लिखना होगा थ्री के जगह, और एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कंप्लीट फ्राइडे आ गया। अब इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए लास्ट तक। राइट, जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन सारे डेट्स, ये जो डेट है, हर एक डेट का के दिन कौन सा दिन पड़ता था उस डेट को, वो सारे यहाँ डिस्प्ले हो गए। राइट, आप चाहे तो इसे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। राइट, जैसा फॉर्मेट इसका है वैसा फॉर्मेट आप दे सकते हैं। यहाँ से जाके आप जो भी है, आप साइज सबका 16 कर दीजिए, तो इस तरह से फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। वैसे तो फॉर्मेटिंग के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो पोस्ट कर रखे हैं, उसे आप फॉलो करें और आप देख सकते हैं कि इसको बहुत अच्छा टेबलर फॉर्मेट में डेटा को कैसे अरेंज करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारा इंटेंशन था कि यदि डेट हो तो डेट से हम डे, मंथ, ईयर या डे कैसे उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फार्मूला के हेल्प से।
दोस्तों आशा है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने और सीखने का मौका मिलता रहे। थैंक यू सर।